ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अशोक कुमार उम्र 52 वर्ष निवासी अम तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा है, जिसकी बीते रोज टांडा अस्पताल में कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई थी। इस बीच उसे बीते रोज दोपहर 1:30 बजे सरी बार्ड टांडा अस्पताल में एडमिट किया गया था। मरीज अशोक कुमार ओपीडी के आधार पर पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज करवा रहा था, जहां चंडीगढ़ पीजीआई से उसे छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद में वे इलाज के लिए टांडा पहुंचा। उन्हें टांडा के एसआरआई वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि यहां एडमिट होने के बाद में बीते रोज ही उनका कोविड-19 का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट की पुष्टि के बाद मरीज अशोक कुमार को प्रोटोकॉल के अनुसार सरीबाट से जोनल अस्पताल धर्मशाला शिफ्ट करना था, पर मरीज को एम्बुलेंस में डालने के बाद एम्बुलेंस में ही उसने दम तोड़ दिया था। इसके तहत अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मरीज मर चुका था। डॉक्टरों ने मामले की पुष्टि की है। इस मामले को लेकर जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि ज्वालामुखी के एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। उक्त मरीज में कोविड-19 के लक्षण पाए गए थे। व्यक्ति की मौत के बाद पूरा प्रशासन हरकत में आ गया है और उन्होंने एहतियात के तौर पर उपरोक्त व्यक्ति मरीज अशोक कुमार के घर अम पटियार में उसके घर के आस पास पड़ोस व साथ की दुकानों पर घर के सदस्यों को पुलिस ने 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अगले 14 दिनों तक बाहर क्षेत्र में घूमने पर पाबंदी रहेगी। वही यहां पुलिस का पहरा भी रहेगा। जानकारी के अनुसार सभी लोगों के कोविड-19 के टेस्ट भी डॉक्टर्स की टीम द्वारा लिए जाएंगे। गौरतलब है कि अभी तक जिला कांगड़ा में कोविड-19 के 373 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें वर्तमान में 64 एक्टिव केस मौजूद हैं, जबकि कोविड-19 के कारण 3 लोगों की मृत्यु जिला कांगड़ा में हुई है। जिला कांगड़ा में 305 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। देखिए, ये तीसरी डेथ थी और ये जो मरीज थे, जो पेशेंट थे, पहले तो ये 22 तारीख से पीजे में एडमिशन करा कर वहाँ पर इलाज करवा रहे थे और कल पीजीआई से टांडा में आए थे और टांडा में उपचार के दौरान उनका कोविड सैंपल किया गया था और शाम तक जब तक टेस्ट का जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आया, तब तक उनकी डेथ हो गई थी। तो ये तीसरी डेथ है जिला कांगड़ा में कोविड से।